अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यार कस्टमर तो वहाँ भागे जा रहे हैं। आज या कल ये डिसाइड हो जाएगा कि ईद कब है, तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा कर रखी है। पुलिस बल ने हर फ्रंट पे अपनी कार्रवाई पूर्ण की है। हमारे पास 3 कंपनी PSC, 1 कंपनी RAF ऑलरेडी मौजूद है। ज़िले में पर्याप्त बल अभी मौजूद है। हम लोगों ने काफ़ी जहाँ जहाँ ईदगाह हैं उन सब जगहों पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। उन सब जगह हम लोग एंटी सबोटाज चेक करेंगे, वहाँ पे LIU की टीम्स रहेंगी, किसी तरह की कोई समस्या ना हो पाए उसके लिए सभी जगहों से, सभी लोगों से, एसटेंट से, पब्लिक से, नमाजियों से, सब लोगों से समन्वय स्थापित किया है। पुलिस ने कई सारे मीटिंग्स की दौर चली हैं, कई जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें बताई गई हैं। हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मद्देनज़र जितनी भी हम लोग सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर कर सकते हैं वो इंश्योर की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश ये है ईद बहुत ही शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ निकले और इस पावन मौके पे सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, परिसर के अंदर भी हैं, ईदगाह के परिसर के बाहर भी लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने ये भी सोचा है कि कुछ CCTVs को हम लोग परमानेंटली वहाँ पर फिक्स कर दें, उसके लिए बात चल रही है। अगर परमानेंट हो सकता है तो वो हमारे आगे के लिए भी काम आएगा।